ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बच्चे हैं जो बहुत देर वंडरफुल पर्सनैलिटीज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड माई को जज इज़ अ फैंटास्टिक द एंटायर टीम ऑफ दी सारेगामापा लिटिल चैंप्स इज फैंटास्टिक दे आर यंग दे आर एनर्जेटिक एंड वेरी नाइस. Varun is gonna be here, Yami Gautam is gonna be here. The exciting movie there. Are you fond of seeing Varun's movie? Have I seen Varun's movie? Honestly, I do not get to watch so many movies. But yes, Varun is the newest heartthrob of our nation. So I'm, and I've seen the poster of Badlapur. When I एक movie देख के निकले थे, I found it extremely exciting and interesting. So मैं definitely देखूँगी and I wish the entire team of Badlapur all the best. And Yami is so pretty and so beautiful. I hope it all works out for the entire movie. 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप किस तरह से उसको देख रहे हैं, किस तरह का एक्साइटमेंट है? Honestly, मैं मैचेस भी नहीं देखती खास. मैं बहुत अजीब हूँ, मैं घूमती रहती हूँ तो ज़्यादा टीवी मैं देखती नहीं. बट मुझे पता है माई फादर माई मेरा फैमिली फ्रेंड्स सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं फॉर मैचेस. सो आई एम हैप्पी दैट मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स विल ऑल्सो गेट अनदर ह्यूज आई मीन एंटरटेनमेंट लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच लाइक द रेस्ट ऑफ द नेशन. गर्ल्स और बॉयज टीम में ऑनेस्टली सारे बच्चे बहुत अच्छे. मैं ये क्लिशे आंसर दे रही हूँ लग रहा है शायद, लेकिन जेन्युइनली दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड और बहुत हमारी हालत टाइट होने वाली है जब कंपटीशन आगे बढ़ेगा. बिकॉज वी डू नॉट थिंक, आई डोंट नो हाउ अलका जी विल मेक अ चॉइस. ओके, मैं एक बात बोलूँ, आपका क्वेश्चन ही डायरेक्टरी था. आपको आप पसंद आपने पसंद नहीं किया, मुझे समझ में आ गया. मैं मुझे समझ में आया. बट ऑल इन आई डोंट वांट टू यूज इट AIB शॉर्ट फॉर्म. सी ये डिफरेंट, हम सब ना ये सब इंजॉय करते हैं लेकिन हम लोग डिनाइल में रहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर. I enjoyed the show. I will not at all deny that. In fact, last night ही देख रही थी मैं, हंस हंस के पागल हो रही थी. I think it takes a lot of guts to joke about yourself, that too, in front of so many people. Perform on that platform. Performance. As a panelist or as a person. I don't think अगर मैं my sense of humor will match up to that or not, I do not know. मैं गालियाँ शायद देती हूँ जब मैं गाड़ी चलाती हूँ और बहुत ही घटिया लोगों को देखती हूँ कि बदतमीजी से लड़की ड्राइवर इसलिए बदतमीजी करे, तो गालियाँ ऑटोमेटिकली निकलती है. सो अगर वैसे जोन में रहूँगी तो शायद कभी कर दूँगी, बट आई डोंट नो. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि इंडिया में ये इन लोगों ने किया एंड आई टेक इट इन अ फैंटास्टिक स्पिरिट. आई डोंट नो द रेस्ट ऑफ द थिंग. मेरा बस ये कहना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बच्चों पे? बच्चों के माँ बाप क्या नहीं यूज़ करते गालियाँ? ये तो झूठ है. कौन नहीं यूज़ करता? शुरू से ही गालियाँ बकना शुरू करते हैं बच्चे. नहीं, अच्छा फर्स्टली लेट मी जस्ट गेट दिस फैक्ट क्लियर. आई डोंट थिंक कि ये 18 साल की उम्र के नीचे वाले बच्चों के लिए बना हुआ था. इट वॉज फॉर 18+ पीपल, सो एडल्ट. तो नाउ इट्स एब्सोल्युटली उन लोगों पर डिपेंड करता है. इफ दे एक्सेप्ट इट, दे वॉन्ट टू सी, दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू सी. इट्स अनदर काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, फन, वॉट एवर. तो वो उन पर है. तो बच्चे यहाँ आते ना आते YouTube पे और भी बहुत सारी चीजें हैं. YouTube में और भी बहुत सारी चीजें हैं. एंड थैंक यू. एक्जेक्टली आई विल से थैंक यू. आखिरी सवाल, आदित्य सर के यस देखिए, मैंने ना डेब्यू किया था एज एन एक्ट्रेस लास्ट ईयर, और वो भी नॉट दैट कमर्शियल फिल्म, जो फेस्टिवल फिल्म था लक्ष्मी. उसके बाद मेरी और एक जो फिल्म रिलीज होने वाली है वो कब हो रहा है मुझे नहीं पता. जिस दिन पता होगा, ट्रस्ट में, आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन आप लोगों को बोलने के लिए. लेकिन येस, 2015 इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग ईयर. देर आर वंडरफुल प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड आई होप दैट इट वर्क्स आउट. जब होगा सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी. दैट्स फॉर नाउ. सॉन्ग्स आर कमिंग, सो येस, प्लीज वॉच आउट फॉर दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट फॉर शोर. थैंक यू. लंच टाइम हो गया ना, जल्दी में फोन पे नहीं चल रहा है.
पता नहीं, मैं भी पहली बार देखा इसको, लोग बना देते हैं, जो बना देते हैं हम पहन लेते हैं। ऐसे ट्रॉय कोस्टा बहुत कमाल के डिज़ाइनर है, हमारे माननीय मोदी साहब को भी वो के लिए भी उन्होंने सूट्स बनाए हैं, और तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स भी है। तो उन्हीं का ये क्रिएशन है, तो वो जो भी देते हैं मैं अंधा पहन लेता हूँ चुपचाप। जी मतलब उनका प्रोमो देखा हूँ, इट्स वेरी गुड। और वरुण ऑफ कोर्स इज वन ऑफ आवर मोस्ट प्रॉमिसिंग टैलेंटेड यंग एक्टर्स, और उनके डैडी से बहुत अच्छी, हम लोग जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी जमती हैं। डेविड साहब इज अ वंडरफुल पर्सन, एंड बोथ हिज पेरेंट्स बहुत बहुत प्यारे, बहुत फ्रेंडली हैं। और जब भी हम लोग जैसे कभी बार अवार्ड शोज में इंडिया के बाहर भी जाते हैं तो लंचेस किए हैं, मज़े आए, बहुत मज़ा आया है। एंड वरुण इज वन ऑफ आवर ब्राइटेस्ट यंग स्टार्स। So, but what is the basic reason that Bollywood celebrities tend to television to promote their movies on a platform just to conquer television audience, or there's something hidden also in that? No, I think it's a basic logical. जब आप प्रोमो करते हैं देन यू वांट टू रीच आउट, जब आप एक फिल्म को प्रमोट करते हैं तो यू वांट टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल, और टेलीविजन के जरिए आप मैक्सिमम लोगों को पहुंच सकते हैं। ग्राउंड इवेंट्स करते हैं तो अगर आप बहुत बड़ा भी ग्राउंड इवेंट करते हैं तो चार लाख लोग भी आ गए वहाँ, फिर भी 4 लाख लोग हैं, लेकिन टेलीविजन के जरिए यू नो 400 लाख लोग के पास आप जा सकते हैं। सर, लेकिन अभी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों तक ये भी पहुंच गया है, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? डू यू पर्सनली हैव सीन दैट? और यू लाइक रिलेटेड क्वेश्चंस सो प्लीज शो रिलेटेड बट एनी परसेप्शन टुवर्ड दैट व्हाट योर टेक क्या है? सॉरी कॉल नहीं, आई एम सॉरी ही नॉट नो आंसर। आपने देखा पहले तो जानना चाहूंगा एआई भी नहीं उस पर नहीं करते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ नहीं नहीं वहाँ कहाँ जाए यार। नहीं, सोशल मीडिया भी आप जैसे आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया के जरिए लोग पहुँच सकते हैं, डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, और आजकल के जो यंगस्टर्स है, यूथ है, शायद टेलीविजन से ज़्यादा लोग सर्व करते हैं या गूगल करते हैं जो भी उनको जानकारी हासिल करना है, या यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं। मेरे भी दो बच्चे हैं, 11-12 हो गए अभी, तो वो भी कई बार टीवी चल रहा है सामने, लेकिन इन लोग अपने फ़ोन पर ही लगे हुए हैं। सो आई थिंक ये भी एक नया जनरेशन है, लेकिन साथ साथ ये बात भी आप नकार नहीं सकते हैं कि टेलीविज़न की रीच एक कमाल की रीच है, और वहाँ एक जिस तरह से प्रोजेक्ट होता है एक छोटे से स्क्रीन पर, उस चीज़ को देखकर उतना मज़ा नहीं आता जितना आप टेलीविज़न पर आप देख सकते हैं उस चीज़ को। तो डेफिनेटली आज भी फिल्म प्रमोशंस हो या जो भी हो, टेलीविज़न हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रीच एंड अ वेरी पावरफुल रीच। आज की थीम बहुत खूबसूरत थीम है, मैं बहुत खुद को आई फील वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सरगम पार्टी चैम्प्स, क्योंकि आज का जो माहौल है ज़्यादातर बहुत ही मतलब डीजे म्यूज़िक या इस तरह का ईडीएम म्यूज़िक का माहौल है, उसमें सारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं यहाँ, मतलब कुछ भी ट्रैक पे सिस्टम नहीं है, जो भी बच्चे गाते हैं बिल्कुल हूबहू आप सुनते हैं उसको। तो एक आज हमारे बीच 16 टॉप इंडस्ट्री के टॉप वायलिनिस्ट्स हैं, और स्ट्रिंग्स पर आधारित जितने गाने हैं उन गानों को बच्चे गा रहे हैं, और लाइव स्ट्रिंग्स हो रही हैं, उनको माइक करना, उनको मतलब परफेक्शन के साथ टेलीविजन पर रखना साउंड के हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, जो कि हो रहा है अभी, साउंड बैलेंसिंग हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल चैलेंजेस हम ले रहे हैं। और ये मैं ऑनेस्टली सी टी वी को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ कि आज भी उन्होंने ट्रू रियल म्यूज़िक को जगा कर रखा है, जो हमारे फिल्मों में हमें सुनना नहीं मिलता। आजकल फिल्मों में भी लाइव म्यूज़िक बहुत कम हो गया है, सब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है, वॉइस पर भी इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है, वॉइस पर इतना ज़्यादा ऑटो ट्यूनिंग होता है कि वॉइस की ओरिजिनल क्वालिटी नहीं मिलती। यहाँ आप जो भी आवाज़ें सुनते हैं सब लाइव है, रियल है। तो आई थिंक जी टी वी सरगम पा लिटिल चैंप्स इज़ द ओनली शो विद रियल म्यूजिक टुडे। नहीं, ये बात सच तो नहीं है कि सिंगर्स की लाइफ कम है, कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो आज भी अच्छा गा रहे हैं, कई सालों से गा रहे हैं, लेकिन हाँ आज स्टार बनना, इंस्टेंटली स्टार बनना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप का एक या दो चीज़ भी ज़बरदस्त हिट हो जाती है तो यू आर ऑल ओवर द प्लेस। तो सोशल मीडिया का भी इसका ज़बरदस्त हाथ है कि आजकल लोग यूट्यूब हिट्स या इन चीज़ों को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कोई नहीं देख रहा है, एक दो चीज़ हिट हो जाती है तो आदमी सुपर हिट हो जाता है।
सर एक ट्रेंड चला था कि कुमार का ट्रेंड, खान का ट्रेंड, इस समय चल रहा है खान, सभी लोग अपने नाम के आगे खान लगा ले, तो इस पे आपका क्या क्या ये मायने रखता है कुछ? अगर ट्रेंड कहे तो खान का ट्रेंड बहुत लंबा चल रहा है, आई थिंक काफ़ी, आई थिंक ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए, तो इसे ट्रेंड तो नहीं कह सकते यहाँ, लेकिन डेफिनेटली जो हमारे रूलिंग स्टार्स हैं वो खान से हैं, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। बेसिकली बदलापुर के तीन रीजन्स हैं, महाराष्ट्र में एक जगह है बदलापुर, फिर बदला मतलब रिवेंज एज वेल, एंड बदला ऑल्सो मीन्स चेंज, कि जब बदलाव होता है इंसान का, तो ये तीन रीजन्स हैं इसलिए पिक्चर का नाम बदला। हाँ तो ये जो तीन चीज़ें तीनों होते हैं मेरे साथ, मैं बदलापुर में रहता हूँ और ऑब्वियसली रिवेंज के ऊपर आधारित ये फिल्म, तो रिवेंज भी है और बदलाव भी होता है मेरे ख्याल। सर आपने में 24 बॉटल पड़ी थी, आपको सच है? हाँ सच है, बिल्कुल सच है, एक्चुअली मेकिंग में हम लोग ने दिखाए भी है, और एक बॉटल तो अहमद खान ने मेरे सर पे भी मारा था इसे, और बट पूरा 24 बॉटल एक साथ नहीं हुए थे, तीन टेक हुए थे, तो हुए थे बट लगा। बहुत ज़्यादा आई थिंक बच्चों का फैन कौन नहीं होता है, वी ऑल लव किड्स एंड हम यहाँ पर हैं टू सपोर्ट देम, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करने वाले हैं, इट्स गुड बी गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो गर्ल्स और बॉयज में बदला होगा आपस में। I'm here of course to support the girls. और मैं लड़कों को सपोर्ट करने आया हूँ, और क्या होने वाला है कि सारे का माले चैप्स तो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और जी के साथ भी और इन सब के साथ मेरा रिश्ता तो पहली फिल्म से चले आ रहा है, बट आज काफ़ी धमाका होने वाला है, क्योंकि शान भी है, अलका याग्निक जी भी है, आदित्य भी है जिनको मैं पहले से जानता हूँ, तो काफ़ी बदला लेने तो मैं आया हूँ। बच्चों की बात हो रही है, बचपने की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके जो बचपन की बात करते हैं, कभी गाना गाया करते थे बचपन में? बहुत अच्छा गाती है यामी, एक बार आप पूछे वो टू लाइन, अरे पूरा गाना सुना देती हूँ। टेलीविजन बहुत ही बड़ा मीडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब टीवी देखते हैं, हम सब इंजॉय करते हैं, स्पेशली ऐसे जो रियलिटी शोज होते हैं जहाँ बच्चे अपने टैलेंट दिखाते, तो हम लोग का मनोरंजन होने वाला है, यामी और मैं इसलिए आए क्योंकि हमें एंटरटेन होना है इन बच्चों को देखकर, और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे ऐश्वर्या जो 9 साल की है,
अरुणिता इज ऑलरेडी वन द मेडल बाय द वे जस्ट टू टेल यू वैसी और अरविंद भी है जो बहुत बड़ा फ्लोट है तो वो सब देखने हम लोग इधर आए और हम लोग भी एंटरटेन हुए पहली बार मैं गोल्डन टेंपल गया था और यामी पहले भी जा चुकी है पर इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक हर किसी को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो जाना चाहिए गोल्डन टेंपल क्योंकि इतना पीसफुल है और हर कास्ट रिलीजन के लोग वहाँ जाते हैं और बहुत खूबसूरत हम लोग ऐसे ही गए थे क्योंकि बदलापुर की प्रमोशन शुरू हुई थी तो हम लोग खाली प्रार्थना करते रहे और बड़ा इस बार शाहरुख खान आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मीडिया को मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से बस थैंक यू कह सकते मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली गए थे तो पंजाब में लोग इधर यामी को यम्मी बुलाते हैं या जम्मी हम लोग जैसे मैंने कहा कि हम लोग कभी गोल्डन टेम्पल गए थे क्योंकि हम पिक्चर हमारे पिक्चर का नाम बदलापुर है तो जितने भी पाप मैंने किए थे पिक्चर में उसका के बारे में अभी मैं नहीं कुछ अभी तो फिलहाल मैंने बदलापुर की है और जैसे मैंने कहा कि हमारी फिल्म सेंसर होने जा रही है तो मैं कुछ और कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहता हूँ।